आज हम एक पत्रकार की बात करेंगे, हम एक पत्रकार की चर्चा करेंगे। ये वही पत्रकार हैं जो हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। बिहार में कहीं भी दलितों के साथ कोई घटना हो जाए, अत्याचार हो जाए, वहाँ पहुँचते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से दिखाते हैं। ये वही पत्रकार है जो बिहार विधानसभा चुनाव में इनके वीडियो पे मिलियन व्यू जाया करता था। ये वही पत्रकार है जिनके वीडियो को पूरा बिहार देखता है, पूरा देश देखता है। ये वही पत्रकार है जिन्हें पूरा बिहार जानता है, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, सभी लोग इनके वीडियो को देखते हैं, इनसे इन्हें पसंद करते हैं और इनके वीडियो को शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और इनके वीडियो के बारे में चर्चा भी करते हैं। ये पत्रकार अगर सड़क पे उतर जाए तो फोटो खिंचाने के लिए लोग मार भी करते हैं। ये वही पत्रकार हैं जो हमेशा से दलितों की बात करते हैं। नाम है वेद प्रकाश। आज उनके लिए बड़ा दिन है, आज उनकी शादी है। शादी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। शादी के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जीतन राम मांझी, पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्याम रजक, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, राजद विधायक मोहम्मद कामरान, राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान, पटना नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर रेशमा प्रसाद, बिहार भीम आर्मी के सदस्य अमर ज्योति, उनके साथ ही लोजपा के प्रवक्ता अनुपम पासवान इस मौके पर सभी मौजूद रहे और सभी ने शादी के जोरों को शुभकामनाएं दी। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से वेद प्रकाश के शादी के मौके पर सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। इस बार हम सबसे पहले वर वेद प्रकाश को आमंत्रित करते हैं विवाह प्रतिज्ञापन करने के लिए। मैं वेद प्रकाश पुत्र माननीय सोना देवी एवं यशकाई रामजीवन मेहता निवासी शंकरगंज थाना काशी छक जिला नवादा प्रदेश बिहार का हूँ। मैं सुश्री अंजू कुमारी पुत्री माननीय सरस्वती देवी एवं माननीय मनोज कुमार महतो निवासिनी मनगाछी थाना मनगाछी जिला दरभंगा प्रदेश बिहार को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करता हूँ कि अपनी पत्नी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूंगा तथा मानव मानव की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देता रहूंगा। धन्यवाद। आप लोगों के सामने वेद प्रकाश जी ने दरभंगा की अंजू कुमारी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और इन्होंने सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन किया है। यहाँ देखिए दोनों बराबर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यहाँ ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, चाहे समझी का मामला हो या वर और वधु का मामला हो, यानी यहाँ समता का व्यवहार करने के लिए इन्होंने आज प्रतिज्ञा किया है और इन्होंने यह भी प्रतिज्ञा किया है कि अपने वैवाहिक जीवन को मधुर बनाएंगे, अटूट बनाएंगे, अविच्छिन्न बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अब हम आमंत्रित करते हैं वधू अंजू कुमारी को। मैं अंजू कुमारी पुत्री माननीय सरस्वती देवी एवं माननीय मनोज कुमार महतो निवासी मनिगाछी थाना मनिगाछी जिला दरभंगा प्रदेश बिहार की हूँ। मैं श्री
वेद प्रकाश पुत्र माननीय सोना देवी एवं यशकाई रामजीवन मेहता निवासी शंकरगढ़ थाना काशीचक जिला नवादा प्रदेश बिहार को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करती हूँ कि अपने पति के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करती रहूंगी तथा मानव की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देती रहूंगी। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि मणिकाची की अंजू कुमारी ने भी वेद प्रकाश जी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और इन्होंने भी आज प्रतिज्ञा किया है कि उनके साथ समता का व्यवहार करेंगे यानी बराबरी का व्यवहार करेंगे। साथ ही इन्होंने यह भी प्रतिज्ञा किया कि इनका जो वैवाहिक जीवन होगा वह अटूट होगा, अविच्छिन्न होगा और मानव की बराबरी वाला समाज जिसमें मानववाद स्थापित होगा उसके विकास के लिए ये हमेशा योगदान देगी। पहले शपथ वर ने किया था, इसके बाद वधु ने, और अभी सबसे पहले वधु वर के गले में माला डालेंगे, इसके बाद वर। तो हम चाहते हैं वधु की माला डालकर आप चलिए वधु। हाँ, वर वधु जिंदाबाद, वर वधु जिंदाबाद। पथक जी, अरे पहले मलवा दोनों तरफ पकड़ करके रखे रहेंगे, फोटो लेना होगा साइड साइड से। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हाथ मिला लीजिए आप लोग आपस में, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। अब हम चाहेंगे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी दो शब्द आज के समय में सारी बातें की चर्चा अध्यक्ष संघ के लोगों ने की है और अध्यक्ष संघ भले हम न समझे उस परिधि में नहीं है लेकिन उसी को बताते हैं जिसके बारे में अध्यक्ष ने किया। हम वेद को और उनके पत्नी अभी जो हो गई है अंजू, तो दोनों को हार्दिक शुभकामना देते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन दोनों को सुधार हो और सुखद हो और दोनों आयुष्मान हो, दोनों काफी दिनों तक जीव करके अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखा छून रखें। इन समय के साथ हम पुनः पुनः मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पीछे कहाँ हैं पहले? दोनों तरफ के जीजा भी हैं, दोनों तरफ के भाई, वो भी माला पहरा देंगे। दोनों तरफ के जीजा और दोनों तरफ के भाई। चलिए हम लोग नीचे बैठे। हाँ, अब आप लोग